माय यूट्यूब फैमिली, इट्स मी सोनिया साहले। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत ज़बरदस्त हो गए। तो जी दोस्तों, ये लुक आज मैं आपके सामने क्रिएट करने वाली हूँ। तो जी जिसने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, और जी जिसने अभी तक बेल आइकन को भी हिट नहीं किया वो भी कर ले, क्योंकि मेरी आने वाली वीडियोज़ तभी आपको मिलेंगी जब जो है वो आप बेल आइकन को हिट कर। तो पहले चलते हैं ये लुक क्रिएट करने, देन बातें बाद में करते हैं। अच्छा जी दोस्तों, तो यहाँ पे मैंने अपने बालों को जो है वो क्लिप के साथ अच्छी तरह से बांध लिया है, सब बालों को पीछे करके। और सबसे पहले यहाँ पे मैं एक टोनर यूज़ कर रही हूँ। आप भी कोई अच्छा सा टोनर जो है वो अपने फेस के ऊपर जो यूज़ कर रहे हैं वो कर सकते हैं, और जो नहीं करे वो टोनर लेके इस्तेमाल करना शुरू कर दें। उसके बाद यहाँ पर मैं प्राइमर यूज़ कर रही हूँ, ब्यूटीफाई बाय आमना का, जो कि जेल फॉर्म में आता है और बहुत ही ज़बरदस्त है। इसके ऊपर आपकी बेस जो है वो टिकी रहती है। यहाँ पे जो मैं इसके बाद यूज़ कर रही हूँ वो कंसीलर है। कंसीलर जो आप अपने डार्क सर्कल्स को हाइड करने के लिए जो है वो यूज़ कर सकते हैं। जिनके डार्क सर्कल को काफ़ी ज़्यादा इशू है वो जो कंसीलर का कलर रेड यूज़ करें, ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ पे मैं मिस रोज़ की जो है आइवरी कलर में बेस आते हैं लिक्विड बेस, मैं वो यूज़ कर रही हूँ। आप इसको थोड़ा सा ले लें, और या आपके पास जो कोई भी है, आपके पास बीबी क्रीम या आप फाउंडेशन यूज़ करते हैं, फाउंडेशन यूज़ करने के बाद आप उससे जो है वो अपना पाउडर सेट, यहाँ पे एपीके पर के पाउडर के साथ में अपना जो है फाउंडेशन है वो सेट कर रही हूँ। ये जो है फाउंडेशन सेट करने के बाद ये वाला लुक आपके सामने है। उसके बाद जो है जी मैं यहाँ पे आई शेडो जो है वो आईब्रो जो है वो वहाँ पर सेट कर रही हूँ रिवाज की किट से। और यहाँ पर मैं इस ब्राउन कलर लेकर अपने आईब्रो को जो है वो सेट कर रही हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा डार्क और बहुत ज़्यादा भरे हुए आईब्रो नहीं पसंद, इसलिए मैं हमेशा जो आईब्रो को बिल्कुल लाइट सा टच देती हूँ। और जी ये आईब्रो जो है आपके सामने फाइनल लुक है। अच्छा जी, मैं यहाँ पे जो कलर यूज़ करने जा रही हूँ उसको मैंने पहले वो सेटिंग स्प्रे के साथ जो है वो गीला कर लिया। उसके बाद यहाँ पर मैं आँखों के ऊपर कलर अप्लाई करने जा रही हूँ, ग्रीन कलर, ठीक हो गया। यहाँ पे मैं जो है वो जो भी हमारा फ्लैग का आपको पता है कलर ग्रीन है, तो यहाँ पे मैं ग्रीन कलर अपनी आईज़ के ऊपर जो है ना वो अप्लाई करी। उप्स, लाइट चली गई, और लाइट में ही मैंने जो है वो सिल्वर वाइटिश शेड जो है वो मैंने अपने आईब्रो के नीचे अप्लाई किया। और उसके बाद जो है मैं अपने आईज़ के नीचे ब्राउन कलर का शेड दे रही हूँ, और उसके बाद आप वाटर लाइन में मैंने वाइट कलर की पेंसिल जो है वो यूज़ की है। इस पर आप देख रहे होंगे कि मैंने अब ब्राउन शेड जो है ग्रीन कलर के ऊपर जो है वो दिया है। ये यहाँ पर वो लाइट चली गई थी, पता नहीं चला। मस्कारा यूज़ करने के बाद जो है वो मैंने अपने आईलैशेस जो हैं वो यहाँ पे यूज़ किए हैं। आप किसी भी अच्छे जो है कंपनी के जो लैशेस हैं वो परचेज़ करके यूज़ कर सकते हो, थिन होने चाहिए। यहाँ पर मैंने अगेन जो है वो ग्रीन कलर जो मैंने आंखों के ऊपर अप्लाई किया है वही सेम कलर जो है मैं आंखों के नीचे अप्लाई कर रही हूँ। एंड देन मैंने फेस पाउडर के साथ जो मैट है अब वो मैंने लिया है, और उसके बाद मैंने अपने फेस को सेट कर लिया। देन उसके बाद यहाँ पर पिंक कलर का जो है वो ब्लशन मैं पूरे फेस के ऊपर जो है वो अप्लाई कर रही हूँ। एंड देन उसके बाद मैंने लिपस्टिक जो है आउटलाइन के साथ पिंक कलर, और लिपस्टिक जो है वो ब्राउनिश कलर में आती है। ये क्रिस्टाइन की लिपस्टिक है, नंबर पूछना होगा तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। चलिए जी एक और पेंटिंग करते हैं, फेस पेंटिंग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने ये ब्रश लिया है फेस पेंटिंग के लिए, बिल्कुल थिन सा ब्रश है। कोशिश कीजिएगा वो ब्रश ले जो बिल्कुल आगे से नोक सा हो, उसके साथ आपकी पेंटिंग जो है ज़बरदस्त रहेगी। यहाँ पे मैंने दो पोस्टर कलर लिए हैं, एक ग्रीन कलर और एक जो है वो वाइट कलर। अच्छा जी, अब मुझे समझ नहीं लग रही थी कहाँ से स्टार्ट करें कहाँ से स्टार्ट करें, थोड़ी सी क्रिएटिविटी आनी चाहिए। फिर मैंने आईज़ के साथ से जो है ना वो ट्राई किया। यहाँ पे मैंने पहले एक स्टार बनाया, उसके बाद जो है वो दूसरा स्टार बनाया, उसके बाद तीसरा बनाया। तीसरा बनाने के बाद मैंने देखा पता तीन काफ़ी हैं कि, और मैंने कहा नहीं नहीं एक और होना चाहिए, तो मैंने एक और ड्रॉ कर लिया। उसके बाद जो है वो मैंने यहाँ पर चांद सा बना रही हूँ वाइट कलर पोस्टर कलर में, ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ पर मैंने आईज़ के ऊपर भी यही जो है चांद सा बनाया है, ड्रॉ किया है। उसके अलावा यहाँ पर मैंने वाइट शेड से ही जो है ना वो अपना स्टार बना दिया। अच्छा मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे स्टार और मून के अलावा जो है चांद सितारों के अलावा आप फ्लावर्स भी बना सकते हो इन दो कलर से, और साथ में आप फ्लैग बना सकते हो। और अगर जिनको जिनका कुछ भी मतलब नहीं समझ आता, मतलब थोड़ा सा मुश्किल लगता है, वो सिर्फ डॉट से ही अपना काम चला सकते हैं।
उसके अलावा आपका जो इजी आपके मतलब लिए ड्राइंग हो वो आप अपने फेस के ऊपर जो है ना वो ड्रॉ कर सकते हो इजीली। मतलब थोड़ी सी कोशिश करोगे ड्रॉ हो जाएगा, खुद नहीं कर सकते तो किसी से करवा लो, ज़बरदस्त लग जाएगा। यहाँ पे मैंने लेफ़्ट साइड पे भी मैंने यही जो है वाइट कलर में जो है ना वो चांद और सितारा जो है वो ड्रॉ कर लिया। अब मैंने सोचा कि इसके अलावा थोड़ा सा ये दोनों चीज़ें इधर उधर क्रिएट करने के अलावा थोड़ा सा अभी भी कुछ कुछ खाली लग रहा है, एंड देन क्या होना चाहिए। तो जी फिर मैंने जो इसको ड्रॉ करने के बाद यहाँ पर डॉट्स का सहारा लिया और यहाँ पर मैंने डॉट्स क्रिएट किए। इसके बाद डॉट्स क्रिएट करने के बाद यहाँ पर मैंने चांद के जो एजेस हैं उसके ऊपर ग्रीन आउटलाइन से इसको कलर दे दिया ग्रीन कलर का। एंड देन मैंने लास्ट यहाँ पे जो है ना गर्दन पे भी जो है ना वो स्टार्स को ड्रॉ किया, ये बड़ा ज़बरदस्त लग रहा था। एंड देन मैंने वाइट कलर के साथ जो है थोड़े से चांद की जो है ना लुक क्रिएट करने की कोशिश की थी। एंड देन दिस इज़ फाइनल लुक। बिगनर्स हैं जिनको थोड़ा सा ब्रशिंग जो है वो चलाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है स्टार्टिंग में, वो भी बिल्कुल आराम से जो है ना वो इसको ड्रॉ कर सकते हैं। ड्राइंग को एज अ ड्राइंग ही है और कुछ नहीं है, जस्ट आपने जो है वो पोस्टर कलर के साथ या कोई भी आपको जो इजी लगता है उन कलर्स के साथ जो है आपने अपने फेस पे कोई सी भी जो है ना मेकअप से रिलेटेड जो है वो पेंटिंग क्रिएट कर सकते हैं। बच्चों को भी कीजिए और ख़ुद भी जो है वो अपने आप को 14 अगस्त के रंगीन रंगों में ढाल दीजिए और जी ज़बरदस्त जो है वो 14 अगस्त मनाइए और इंजॉय कीजिए। ये लास्ट बात मैं आपको बताती चलूँ कि लुक बहुत आसान है, आपके पास सिंपल जो चीज़ें मौजूद हैं उनके साथ अभी आप उनके साथ जो है ना लुक क्रिएट कर सकते हो, ठीक हो गया। तो जी वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट सेक्शन में लास्ट में बताइएगा, और जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन और बेल आइकन को जो है ना वो हिट कर दें। चलिए जी मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। ओके टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।